देखो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन इक्वेलेंस ऑफ वन प्रोडक्ट टू अदर इज गिवन टू फाइंड आउट ओवरहेड। अब आपको ओवरहेड दे रखे होंगे बट आपको रेशियो निकालनी होगी और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में बताया होगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन 15 में लिखा हुआ है मेजर्स हिंदुस्तान ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरिंग थ्री टाइप्स ऑफ फैन, टेबल फैन, सीलिंग फैन एंड कूलर। द मटीरियल एंड वेजेस कॉस्ट आर एज अंडर, टेबल फैन की कॉस्ट जो है 60 है, सीलिंग फैन के मटेरियल की 100 है और कूलर की 900 है और वेजेस की अलग दे रखी है। कहते हैं हिज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013 वाज 1 लाख। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 1 लाख है लेकिन ये नहीं बताया किस रेशो में इसे डिवाइड करना है। यू आर आस्क टू डिटरमाइन द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फैन एज्यूमिंग डैट वन सीलिंग फैन इज इक्वेलेंट टू टू टेबल फैन एंड वन कूलर इज इक्वेलेंट टू 5 टेबल फैन फॉर द पर्पस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन। कहता है ये जो ओवरहेड है उसको बांटने के लिए ऐसे इक्वेलेंट कुछ बताया हुआ है। द प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2013 वॉज 1000 टेबल फैन। प्रोडक्शन बता रहा है तीनों की, टेबल फैन की, सीलिंग फैन की और कूलर की। 1000 टेबल फैन है, 500 सीलिंग फैन है और 100 के कूलर हैं। अब हमें इसका प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको समझना होगा कि कैसे करना है। देखो बोलना क्या था बताओ। सीलिंग फैन इक्वल टू टू टेबल, नहीं पहले सीक्वेंस बताओ क्या है। हमारे पास टेबल फैन है, यस मैम, सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है, कूलर और कूलर है और हमें सीक्वेंस यही रखनी है, आगे पीछे नहीं करनी, ठीक है। अब बताओ टेबल फैन सीलिंग फैन के क्या बताया हुआ है। वन सीलिंग फैन इक्वल टू टू टेबल फैंस, वन सीलिंग फैन इज इक्वेलेंट टू टू टेबल फैंस, टू टेबल फैन। अच्छा आगे वन कूलर, यस मैम, 5 टेबल फैन इज इक्वेलेंट टू 5 टेबल फैन। इसका मतलब टेबल का सीलिंग के साथ हो गया और टेबल का कूलर के साथ हो गया। अगर मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊं तो मेरा, मैं सीधा कर लेती हूँ उसे, ठीक है। टेबल टू टेबल इज इक्वलेंट टू वन सीलिंग फैन, फिर 2 टेबल का फैन के साथ, 5 टेबल इज इक्वलेंट टू 1 कूलर और फिर 1 टेबल का 1 टेबल के साथ। मतलब टेबल अगर सीलिंग के इक्वल है और टेबल कूलर के ऊपर है तो टेबल टेबल के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन कितनी थी बताना, 1000 फैंस थी, yes, और इसकी सीलिंग वाले की 500 रुपये थी, उसकी 100 है, उसकी 100 थी, 100। अब मुझे बताओ एक सीलिंग फ़ैन कितने का है, 500 का, तो 2 टेबल कितने के हुए, वो ये कह रहा है। मतलब आपको यहाँ पर 2 × 5 = 10, 1000 हो गया। मतलब जो सीलिंग फ़ैन है वो 2 टेबल के इक्वल हो गया ना, तो एक सीलिंग फैन के 500 रुपये है तो 2 कितने के हुए, 1000 के। एक कूलर की अमाउंट कितनी थी, 100 रुपये, तो 5 की कितनी हो गई, 500 रुपये, ठीक है। एक टेबल कितने के थे, 1000 के, और दूसरे कितने हुए, 1000 के हुए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास पहले हम लिखेंगे टेबल, टेबल के इक्वल है, टेबल सीलिंग फैन के इक्वल है और टेबल कूलर के इक्वल है, ठीक है। 1000 × 1000 और दूसरा है आपका एक टेबल कितने का आए थे ये, 1000 × 500 ऐसे ही था, है ना। आपको ये वाले उठाने हैं क्योंकि जो ये दे रखे हैं ये तो हमें प्रोडक्शन दे रखी है, ऐसे ही था ना। अब आपके पास क्या रह गया, 1000 × 500 और इंटू, नहीं 1000 × 500, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्शन होगी, दोबारा समझाऊंगी अभी इस पॉइंट को। इसे कैंसिल कर दो तो रेशियो कितना आएगी, 2:2:1। अगर ये आपको निकालने आती है तो आपको हर क्वेश्चन ईजी लगेगा। फिर से देखो क्वेश्चन को मैंने इजी करके समझा दिया। पहले उसने हमें प्रोडक्शन बताई कि टेबल फ़ैन की प्रोडक्शन 1000 है, सीलिंग फ़ैन की 500 है, कूलर की 100 रुपये हैं। फिर उसने हमें जैसे कहा वैसे लिख लिया। वो कहता है कि एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल के इक्वल है और एक सीलिंग फ़ैन 500 का है तो 2 कितने के हो गए, 1000 के।
फिर कहते हैं एक कूलर जो है टेबल फैन के इक्वल है, एक कूलर अगर मेरा 100 का है तो 5 कितने हो गए 500 को। फिर मैंने सोचा इसको मैं सेट कर लेती हूँ, मैंने ऐसे कर दिया भाई टेबल टेबल के इक्वल होगा, टेबल सीलिंग फैन के इक्वल होगा और टेबल कूलर के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तो हमें दे ही रखा था तो हमें टेबल ही बताने थे कितने के हो गए। अब टेबल टेबल के इक्वल मतलब 1000 का है तो 1000 यहाँ आ गया, और एक सीलिंग फैन 500 के तो 2 1000 के हो गए, एक कूलर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है तो 5 की 500 हो गई, तो ये तो मैंने यहाँ से काट दिया। रह क्या गया 1000 1500, रेशियो क्या बन गई 2:2:1। तो वो यहाँ पर ये कह रहा था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, यही आपको निकालनी आनी चाहिए। अब क्वेश्चन आपका इजी बन गया। देखो कॉस्ट शीट हमने बनाई, बेटा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, 221 में चले जाओ। टेबल फैन ऊपर लिखना है 1000, सीलिंग फैन 500, कूलर इतने, टोटल पर फैन टोटल पर फैन टोटल पर फैन। अब हमें मटेरियल कितने का दे रखा है, देखो मटेरियल टेबल फैन का 60 पर है, 60 पर फैन है तो 60 को 1000 से इंटू किया 60000, और सीलिंग फैन 500 के हैं लेकिन 100 रुपये पर फैन है तो 500 के हिसाब से 50000 के हुए। कूलर 900 रुपये है, 100 के हिसाब से कूलर की अमाउंट कितनी आ गई 90000 रुपये। इसी तरह से वेजेस का करोगे 80, 100, 250, लिख दिया मैंने 80, 100 और 250, इंटू कर दिया इससे जितनी हमारी प्रोडक्शन दे रखी थी, मेरे प्राइम कॉस्ट आ गई। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ यहीं रुक गया, कहता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड 100000 रुपये के है लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद बताओ वो 100000 किस में बटेगा, 2:2:1 में, ये 2:1 में हमारा डिवाइड हो गया। अब जब 40000 आया तो ये 40 कैसे आया, वैसे ही जैसे हम निकालते थे 40000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन 1000 तो 40 आ गया, 40000 डिवाइडेड बाय 500 80 आ गया, 20000 डिवाइडेड बाय 100 200 आ गया, ये आपकी क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। बस यहीं तक था ये सब, समझ आया ये? ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में।